उत्तर प्रदेश के झांसी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में दूल्हे के देरी से आने पर आयोजकों ने दुल्हन के जीजा से ही उसकी शादी करवा दी। समारोह में इस शादी का रजिस्ट्रेशन नंबर 36 था। दुल्हन ने फेरे लेते ही अपनी मांग से सिंदूर और बिंदी पोछ डाली। वहीं दूल्हा बने जीजा ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा हैं और दुल्हन का रिश्ते में जीजा लगते हैं और विभाग के कुछ लोगों के कहने पर दुल्हा बन गए थे। वहीं लगता है कि विवाह समारोह में सरकारी योजना से मिलने वाले आर्थिक लाभ को लेने के लिए ये खेल खेला गया था। इस बंदरबांट में कौन कौन शामिल है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है, फिर भी इसकी जाँच करवाई जाएगी। आधार कार्ड मिलाकर हम लोग सामान बांटते हैं, ब्लॉक से जो सूची आती है उसी के आधार पर हम लोग शादी करवाते हैं। यदि कोई शिकायत मिलती है तो जांच कराई जाएगी। और अब इस पर ललिता यादव जो कि समाज कल्याण अधिकारी हैं क्या कुछ बता रही हैं, सुनिए। आधार कार्ड बिल्कुल चेक करते हैं, आधार कार्ड क्या पूरा ब्लॉक से सब चेक होने के बाद ही आता है। जैसे शादी करी हो सकता है कि कुछ उसकी बाबू नहीं है, अकाउंटेंट है वो, तो अकाउंटेंट है। नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर हाँ बिल्कुल जांच कराऊंगी, अगर होगा अगले पर। भाई नहीं आया था, मेरा लड़का नहीं आया था। लड़का नहीं आया था तो हम खड़े हो गए थे साथ में। आपका रिश्ते में कौन लगती है? साली। हम जिसके साथ की है बात है कि मेरा हस्बैंड आया नहीं है, ठीक है। बारिश हो रही थी, काफी दूर है इस वजह से। हाँ तो हाँ जीजा जी के साथ ही लिए। हाँ ये तो मानती हूँ गलत उनके हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम हमें भी तो थी, आए नहीं। अब बताओ, फॉर्म भर चुका था, ऑनलाइन भी हो चुका था, क्या करते हम उसके लिए, कुछ तो करना पड़ता।